हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं सिंध के मारूफ नोहखुवान मरहूम उस्ताद मेवा खान कलेरी, जो के आज के दौर के सारे नोहखुवानों से सीनियर थे। मैं 19 साल अली और आप देख रहे हैं सच चल टीवी। व्यूअर्स, उस्ताद मेवा खान कलेरी 25 सितंबर 1965 को कामिल खान के घर धियात सांदात कलेरी टंडोजाम में जन्म लिया। जी व्यूअर्स, उस्ताद मेवा खान कलेरी का असल नाम शाह बेग था और 6 बहनों का इकलौता भाई था। उस्ताद मेवा खान कलेरी इब्तदाई तैलीम अपने धियात सांदात कलेरी में हासिल की और मैट्रिक हाई स्कूल नंबर 1 टंडोजाम में, जबकि आला तैलीम के लिए उस्ताद मरहूम मेवा खान कलेरी उस्ताद बुखारी कॉलेज से बीए की, जिसके बाद जल्द मरहूम उस्ताद मेवा खान कलेरी को प्राइमरी टीचर मुकरर कर दिया गया था। मरहूम उस्ताद मेवा खान कलेरी 4 बेटों और 4 बेटियों का बाप भी है। मरहूम उस्ताद मेवा खान कलेरी जाकिरों की मंजिल से सुन सुनकर एक बड़ा नौजवान बन गया था। याद रहे कि मरहूम उस्ताद मेवा खान कलेरी ने 1983 को नौजवानी शुरू की थी। उसके बाद उन्होंने बहुत से अपने शागिर्द बनाए, जिनमें से कुर्बान जाफरी, जीशान हेडर, मशकूर कोसर, जाफर हुसैन खट्टी व देगर शामिल हैं। याद रहे कि मरहूम उस्ताद मेवा खान कलेरी एल्बम को इतनी तरजीह नहीं देते जितनी प्रोग्रामों में जाकर वहीं हुसैनियत के जिक्र करने को। इसलिए उस्ताद के कुल 23 एल्बम मार्केट में आ चुके थे। उस्ताद मेवा खान कलेरी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूनाइटेड अरब इमारात, दुबई और शारजाह में भी हुसैनियत का जिक्र कर चुके हैं। मरहूम उस्ताद मेवा खान कलेरी 21 मई 2013 को इस दुनिया से इंतकाल कर गए थे। मरहूम उस्ताद मेवा खान कलेरी की आखिरी आरामगाह धियात सांदात कलेरी मस्जिद अल इमाम या जमाना टंडोजाम में वाकिया है। आज मरहूम तो हमारे बीच में नहीं, लेकिन उसकी गूंजती हुई आवाज हमेशा मौजूद रहेगी। मरहूम उस्ताद मेवा खान कलेरी के जाने के बाद अब इसका बेटा मुजफ्फर हुसैन कलेरी उस जगह अपना फर्ज सर अंजाम दे रहे हैं। हमारी खुदावंद ताला से दुआएं हैं कि मरहूम उस्ताद मेवा खान कलेरी को जन्नत अल फरदौस में आला मकाम अता करे और इसके बेटे मुजफ्फर हुसैन कलेरी को और भी आगे बढ़ाए और हुसैनियत का जिक्र करते रहे। आमीन।